एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कॉन्क्लेव में, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। আর আমরা যে রাজনীতি এখন দেখি, অর্থাৎ ধর্মের রাজনীতি, তা কিন্তু শুধু এখন থেকে নয়, স্বাধীনতার পর থেকে এমন অনেক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে যা এই দুই ধর্মের মধ্যে ফাটল আরো চওড়া করেছে। হম হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই ইস তরহ কে খাঁচো মে ক্যো বটে রহে, জব হম ইয়ে কহতে রহে কি হম সব এক হ্যায়, উসকে বাওজুদ ইয়ে একতা নিচে পরতো মে কহীন গায়ব হোতি ক্যো দিখাই দি। আর অন্যদিকে আমরা জানি যে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী তিনি নিজের দল গঠন করেছে এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মহল একটা আলোচনা শুরু করেছে। এই মুহূর্তে কি তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাপে রয়েছেন? আলোচনা চলবেই। আর আসাদুদ্দিন ওবেসী জব চুনাওকে ময়দান মে আতে হ্যায় তো ইয়ে নাহি সমঝা জাতা কি ইস দেশ মে চুনাও লড়নে কা অখতিয়ার কিসি কা হ্যায়, ও কহীন সে ভি চুনাও লড় সকতা হ্যায়। উসকো কাহা গিয়া কি ইয়ে বি টিম কে তোর পর ভোট কাটনে কে লিয়ে পৌঁছে হুয়ে হ্যায়। ক্যা ইসি তরহ সে শুরুয়াত হোতি হ্যায় ধর্ম কি রাজনীতি কি, আর আগর হোতি হ্যায় তো উসকে লিয়ে জিম্মেদার কন হ্যায়, ইয়ে রিপোর্ট দেখিয়ে। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% से ज्यादा है। बंगाल के बारे में माना जाता है कि मुसलमान जिस पर मेहरबान होंगे उसकी सरकार बनेगी। कभी लेफ्ट के वोट बैंक रहे मुस्लिम पिछले विधानसभा चुनाव तक तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक दो फाड़ है। एक नहीं, दो दो दावेदार मैदान में। बिहार चुनाव में कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव में दम भरेंगे। मुस्लिम वोट के दूसरे दावेदार हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो फुरफुरा शरीफ से जुड़े। माना जाता है कि बंगाल की करीब 60 विधानसभा सीटों पर अब्बास सिद्दीकी दखल रखते हैं। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলে আসলে কি রাজনীতির ময়দানে, তাহলে বুঝিয়ে দেব কার কত ভোট আছে, সেদিন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব ঠিক না বেঠি। আব্বাস সিদ্দিকী আব তক তৃণমূল কংগ্রেস কে সমর্থন মে থে, লেকিন ইস বার ও আপনি পার্টি কে সাথ চুনাবি ময়দান মে। এসে মে পীরজাদা আব্বাস ও আসাদউদ্দিন ওবেসী কি বঙ্গাল চুনাও মে এন্ট্রি সে কই সওয়াল খড়ে হোতে হ্যায়। अगर ओवैसी ने वोट काटा तो ममता बनर्जी को कितना घाटा होगा? अगर साथ नहीं पीरजादा तो ममता बनर्जी की जीत में क्या होगी बाधा? बंगाल में मुस्लिम वोटों की मारामारी ने दिलचस्प सियासी स्थिति पैदा की है। एक तरफ मुस्लिम वोटों के विखंडन की तस्वीर है तो दूसरी तरफ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की। तो ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तानी के तौर पर हमारी पहचान जो है वो कहीं बाद के पायदानों में आती है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तथागत रॉय, पूर्व गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है सर, आप आए प्लीज, और आपका बीते दिनों आए प्लीज स्टेज पर आए। बीते दिनों एक ट्वीट भी देखा जिसमें आप भावनाओं के आहत होने का सवाल उठाया था, और वो वाकई जायज लगा इसलिए क्योंकि एक मजहब विशेष एक धर्म विशेष से जुड़े हुए। तो आइए अब इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का मुद्दा वो मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी तक सुनाई दे रहा है और जिसके आसपास लग रहा है कि चुनाव में राजनीति प्रमुखता से होगी, और वो है मुस्लिम वोट बैंक, एम फैक्टर, मुसलमान वोटर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले तथागत रॉय जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, आप सबसे वरिष्ठ भी हैं, आप इसे शुरुआत करूँगी। जब ममता बनर्जी की तरफ से कहा जाता है कि उनके बयान को दिखाया जाए जिसमें वो किसी एक धर्म विशेष की कोई दुआ पढ़ रही हैं, उसके आगे पीछे उन्होंने जो कहा उसे एडिट कर दिखाया जाता है, तो क्या उनकी छवि को एक तरह से पेंट करने की कोशिश हो रही है राजनीतिक फायदे के लिए? ये छवि की बात जो आप कह रहे हैं ये तो एक इसका पहलू है, पर ममता बनर्जी ने ऐसे काम की है फ्रॉम टाइम टू टाइम जिसमें से ये साफ दिखता है कि वो मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण की और मुसलमान वोट बैंक को तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसे तो काफ़ी उदाहरण ऐसे हैं, मुझे एक जो याद आ रहा है वो है जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से
इन्वॉल्व था वो था इमाम भत्ता। मस्जिदों को इमामों का सरकार के तरफ से भत्ता देना तो कोई सेक्युलर काम नहीं है, ये तो रिलीजियस काम है। मस्जिदों का इमाम कोई तो सेक्युलर काम नहीं करते हैं, पर ममता बनर्जी ने ऐसे तय की थी कि मस्जिदों के ऐसे सरकारी रुपया से उसको भत्ता दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में केस दर्ज किए, वो केस जो लड़े उसमें मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था और आखिर में वो केस जीत गया। पर बाद में इन लोगों ने कोई टेढ़ा ढंग से मस्जिदों ये इमामों को रुपया दिला दिया ऐसा है। ममता बनर्जी इसके अलावा भी ये कि रमजान के समय पता नहीं सारे दिन खाते हैं कि नहीं, शायद खाते हैं, पर खाकर रात को रोजा रखते हैं और रोजा रखने का बहुत अभिनय करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि रोजा रख रहे हैं। तो ये सब तो कोई सेक्युलर काम नहीं है। और ये तुष्टिकरण का मैं मुझे एक सेकंड दीजिए जरा समाप्त करने के लिए। सबसे ज्यादा जो चीज है वो ममता बनर्जी के अपनी एडमिशन है, अपनी स्वीकार है कि उन्होंने कही कि जे गोरु दूध दे तार चाट सह्य करते हैं, दूधेल गोरुर चाट सह्य करते हैं, मतलब जो गाय दूध देती है उसका लात तो मुझे सहना ही पड़ेगा। तो इसके आगे इसके बारे में और क्या चर्चा हो सकता है। पर तथागत जी, जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पंडाल को पैसे देती हैं और उनका बिजली का भत्ता भी माफ़ करती हैं बिजली कनेक्शन के लिए, या वो प्रीस्ट्स को हिंदू प्रीस्ट्स को उनके लिए भी भत्ता देती हैं, वो ठीक फैसला है या वो भी गलत फैसला है? फिर वो भी गलत फैसला है, वो भी गलत है। ये तो सेक्युलर स्टेट है, हमारा तो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र किसी धर्म का मदद नहीं करेगा, ये हमारे संविधान में ओतप्रोत है। तो इसके चलते कैसे पहले इमामों का देना और उसको बैलेंस करने के लिए दुर्गा पूजा पंडाल में रुपया डालना जी। ये इसका सवाल कैसे पैदा होता है, समझ में नहीं आता। मेरे साथ जो मेहमान पहुंचे वो इस पर शायद प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। हमारे साथ असीम वकार भी मौजूद हैं, AIMIM के नेता हैं, वो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे बीच में सवाल लेकर। आपका बहुत स्वागत है असीम वकार जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है सुप्रिया चंद्रा जी कि जो आरोप लग रहा है ममता बनर्जी पर बार बार कि वो तुष्टिकरण करती हैं, फिर क्या ये मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? और असदुद्दीन ओवैसी और फुरफराज शरीफ की तरफ से अब अगर उनकी भी एक अलग पार्टी अब बन गई है तो फिर क्या नुकसान होगा TMC को इसकी वजह से? देखो तृणमूल कांग्रेसের लाभ लोकसान व्यापार नए बा ट्रांसपारेंट दृष्टिभंगी रही है, एक सुस्पष्ट दृष्टिभंगी रही है। को निर्दिष्ट सम्प्रदाय के बाद निर्दिष्ट धर्म जति একটা জেলাগত জায়গা বা ভৌগোলিক জায়গাকে আমরা ভোট ব্যাংক বলে মনে করি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কন্যাশ্রী করেন, সবুজ সাথী করেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান। अगर आप थोड़ा हिंदी में बोल पाएंगे क्योंकि ये हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए भी जा रहा है, फिर हम बंगाली में भी करेंगे पूरी चर्चा, पर अगर अभी अगर आप थोड़ा बोल सकते हैं हिंदी तो। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के रूप से, दल के रूप से हमारा ट्रांसपेरेंट एक आउटलुक है, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल आउटलुक है, जो हम किसी धर्म को, किसी जात पात को हम हमारा वोट बैंक नहीं मानता। हम जो ममता दी सत्ता के आने के ढेर साल पहले 98 साल থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বারবার করে বলে আসছেন যে আমাদের কাজটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এ পারফরম্যান্স ওরিয়েন্টেড পার্টি, নট ভোট ব্যাংক ওরিয়েন্টেড পার্টি। ফির ও এসা কিউ কেতি হ্যায় কি দুধ দেনে ওয়ালি গায় কো আপ লাত নাই মার সকতে আগার ভোট ব্যাংক নাই সমঝতে উনকো তো। এটা পুরোপুরি পলিটিক্যাল জাগলারি। তথাগতবাবু নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলার বুকে, সারা ভারতবর্ষের থেকে যদি বাংলার দিকে চোখ তাকানো যায়, হিন্দু ধর্মের সবচাইতে বড় বেশ কয়েকটা নামের মধ্যে একটা নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী এবং বিবেকানন্দ। সারদা দেবীও বলেছেন যে হচ্ছে যে সন্তান যদি ধুলোবালি কাদা মেখে আসে তাহলে মাই তাকে কোলে তুলে নেবে। ফলে বাংলার বুকে সবাই সন্তান, শরতও যেমন সন্তান, আমজাদও সন্তান। মমতা বনার্জি বলছেন না, বলছেন সারদা দেবী, সারদামণি দেবী। এখন সারদামণি রামকৃষ্ণ হিন্দু কিনা সেটা তথাগতভাবে থেকে যদি সার্টিফিকেশন নিতে হয় তাহলে সেটা বিজেপি নতুনতর হিন্দুত্বের ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে, সে বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বলার কিছু জায়গা নেই। ইয়ে তো জবাব নেই হওয়া, সিফ গোল গোল বাতে হওয়া।
यही तो जवाब है बंगाल का जवाब। हम आप लोगों को, आप सीनियर पर्सन है, एमिनेंट पर्सन है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि आप बंगाल का जो मिट्टी है, मिट्टी का जो कल्चर है, मिट्टी का जो संस्कृति है वो भूल चुके हैं। बंगाल की मिट्टी और संस्कृति की बार बार बात होती है पवन खेड़ा जी, ये बंगाल की मिट्टी संस्कृति में क्या है अलग, जिसे बार बार टीएमसी कहती है कि वो अलग है, आप इस यहाँ पर वो बातें नहीं कर सकते जो बाकी जगह बाकी प्रदेशों में होती हैं, लेकिन हम देख तो उसी तरह की राजनीति रहे यहाँ पर भी। मैं पहले तो मुझे आपत्ति है कि एम फैक्टर, कांग्रेस को हमेशा इस तरह के फैक्टर्स से आपत्ति है। जब आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तो आई फैक्टर था इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वी फैक्टर है विकास। कांग्रेस ने जब 25 साल हमारा भी यहां शासन जब रहा है क्या क्या दिया कांग्रेस ने, आईआईटी, आईआईएम, स्टील दुर्गापुर, अभी मैं रास्ते में आ रहा था बंगाल केमिकल का मेट्रो स्टेशन था, मेट्रो। मैंने पूछा हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों से कि बंगाल केमिकल का क्या हुआ, जो जो कांग्रेस ने यहां दिया, यहां दादा बैठे हैं, यहां दीदी के भी लोग बैठे हैं, इन्होंने भी बंद कर दिया और ये तो बेचने को आ गए। पूरे देश में कांग्रेस ने जो जो बनाया उसको बेच कौन रहा है, दादा से पूछिए, और बंगाल में कौन उसको बर्बाद कर रहा है, दीदी से पूछिए। हमसे अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे, ये हिंदू फैक्टर मुस्लिम फैक्टर, उसके लिए दादा भी बैठे हैं, दीदी भी बैठी, इनसे बात कीजिए। क्या मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे सकते हैं आप इसका। ऐसा है कि पंडित नेहरू ने अपना पांडित्य जाहिर करके सन 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाए थे जिसके तहत सारे भारत में कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी एक सोवियत स्टाइल के होने वाला था, और उसका आखिर में परिणाम यह हुआ कि सन 1991 में हम इतने ऐसे दिवाला पीटने का स्थिति में आ गए कि हम लोगों को सोना ये करके प्लेज करके रखना पड़ा इसके पास, आईएमएफ के पास। उसके बाद आईएमएफ से जब प्रेशर आई तो हम लोगों ने वो पब्लिक सेक्टर कल्चर से निकल कर दूसरे के तो बेचना जरूरी है क्योंकि वो सोवियत वो फेल हो गया। तथा जी, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में भी तो फिर कांग्रेस पार्टी ही आई, 91 के रिफॉर्म्स किसने किए? हाँ हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूरी से की। लेकिन मैं आप चाहती हूँ आप उस सवाल पर प्रतिक्रिया दें जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि हमारा इस तरह के किसी फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये एम फैक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एच फैक्टर से हमारा लेना देना जरूर लेना देना है मैडम, क्योंकि पवन खेड़ा जी कांग्रेस के आजादी के पहले की बात की, आजादी के बाद की, लेकिन आजादी के समय के बात नहीं की जिस समय उन लोगों ने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया, कांग्रेस नहीं तो पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। जवाब देना चाहूंगा। जी जी, जी दादा, आपसे तो इतिहास की मेरे को उम्मीद थी। मैं बड़ा हैरान होता हूं बंगाल में बैठकर आप कहते हैं कि पार्टीशन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। अरे अलायंस की सरकार किसने बनाई थी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सरकारों से बाहर निकल गए, सड़क पर आ गए, बंगाल में किसने बनाई, सिंध में किसने बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में किसने बनाई, और वहां पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने उसका विरोध नहीं किया, माफ कीजिएगा। और मैं एक और बात बताता हूं आपको, साबरमती का हिंदू महासभा का जो अधिवेशन हुआ था क्या उसमें पार्टीशन की बात नहीं हुई थी? क्या पार्टीशन का नारा उसमें बुलंद नहीं किया गया था? जी, पवन आज जी। की पीढ़ी को आप मूर्ख मत बनाइए दादा, हम भी बैठे हैं, हम भी इतिहास पढ़ते हैं। पवन खेड़ा जी, लेकिन आप इतिहास पढ़ते कि नहीं, ये आप कह तो रहे हैं लेकिन साबित नहीं होता है, क्योंकि उस समय हिंदू वोट जो था पूरी तरह ध्रुवीकृत था कांग्रेस के समर्थन में, हिंदू महासभा वहां बिट प्लेयर थे, और मुस्लिम वोट जो था वो पूरा ध्रुवीकृत था मुस्लिम लीग के समर्थन में, और जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठे हुए थे उसमें कोई हिंदू महासभा के कोई आदमी नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन जो बहुत बाद में आए, पाकिस्तान स्वीकार जो किया वो नेहरू और पटेल जी ने छोड़ो कोई नहीं किया। आप गलत इतिहास बता रहे हैं, आप गलत इतिहास बता रहे हैं। मुस्लिम लीग आप पूरा गलत मिलाए थे मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा, मुझे बताइए। एक तो हिंदू महासभा का विरासत हमारा नहीं है, अब क्यों इसे हिंदू महासभा का विरासत नहीं है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरा एक सवाल, रुक जाइए पवन जी। तथागत जी, आप बहुत
सीनियर है सर, पवन जी, पवन जी रुक जाइए, ठीक है ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी है, आगे भी रहे, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन इसी बात से एक और सवाल उभरता है जो मैं चाहूंगी जिस पर आप जवाब दें और फिर बाकी मेहमानों के पास भी हमें चर्चा को लेकर जाना चाहिए, वो ये कि जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी पवन खेड़ा जी, कि एक समय था जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो वो जो आरोप लगा रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सर 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 मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके नेता नहीं है, आप रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, आपको जानते नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, सुमेधा जी गलत बता रहे हैं, आप गलत इतिहास बता रहे हैं, पहले उन्हें बात पूरी करने दो, एक समय में एक इतिहास पहले पूछना चाहता हूं दादा, लेट्स मेंटेन द डेकोरम, दादा एक बात का जवाब दीजिए, एक्चुअली रॉन्ग है भाई, एक जवाब दीजिए, एक एक करके एक बात का जवाब दे रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वो गलत इतिहास है। अच्छा देखिए ऐसे नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ, आप गलत बता रहे हैं, आप भूल बता रहे हैं। अच्छा रुक जाइए, हम डाइग्रेस हो गए, सर 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 रुक जाइए, पवन 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 खेड़ा, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, सर सर लेट्स गेट बैक, अच्छा चलिए ये हो गया, ये हो गया मुद्दा, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा अभी हमारे साथ लाइव ऑडियंस है, तीन तीन पारित हुए थे, पार्टीशन आपने करवाई थी, आप सर पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी चाहते हैं पाकिस्तान के, तथागत जी, तथागत जी प्लीज लेट्स स्टॉप, हम वापस डाइग्रेस हो रहे हैं, जो मुद्दा है आपने रख दिया अपना, दोनों ने मुद्दा, लेकिन बाकी मैं इसका जवाब दूं, हो जो सर सर मेरा मेरा सवाल कुछ और था, अरे आप लोग पवन 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 आप मुझे एंकर मानते हैं ना शो का, अभी एक एक कर कर एक एक कर पवन पवन आप गलत है, आप जानते नहीं इतिहास, नहीं जानते देश का क्या इतिहास बताइए, अरे आप अपना इतिहास नहीं जानते, आप जानते नहीं है, अच्छा अच्छा सर सर लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन, अच्छा एक सेकंड लेट्स गेट सम डेकोरम फर्स्ट 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 एक सेकंड पवन जी, वो संक्षेप में अपनी बात पूरी करेंगे सर प्लीज, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी आप गलत बता रहे हैं, पवन खेड़ा जी सुनिए सुनिए एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए जी, बोलिए, अच्छा अभी एक मिनट सुनिए सर, मैं भी बहुत जोर से चिल्ला सकती हूँ, अभी रुक जाइए, देखिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए सर, आप इतने सीनियर हैं, आप इतने सीनियर हैं सर सर, अभी मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, अच्छा अच्छा लेट्स गेट सम डेकोरम, एक मिनट एक मिनट, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी मैं पवन खेड़ा, अच्छा जी पवन 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 सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आप एक पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी देखिए आप इतना इतिहास मत बताइए, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, रुक जाइए, देखिए जवाब दिलवाइए आपसे, पहले रुक जाइए सर, पहले हम वापस जो हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं, आप लोगों के पास राजनीतिक मंच बहुत होंगे जहां आप लगा सकते हैं एक दूसरे पर तमाम आरोप लगा सकते हैं, अभी जो टॉपिक है डिस्कशन का उस पर वापस आ जाते हैं, तथागत जी आपने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, हमारे साथ असीम बकार जी बैठे हैं बाहर से, पहले उनके पास चलते हैं ताकि थोड़ा यहाँ पर शांति हो जाए, पवन खेड़ा जी रुकी रुक जाइए, पवन खेड़ा जी अभी अभी दिया नहीं उन्होंने, अभी जानता हूँ बीच में चिल्लाएगा, अच्छा अच्छा रुकिए, वो जी बीच में चिल्लाएगा, बीच में चिल्लाना जी, अच्छा यही हालत है, आप मुस्लिम लीग और आप शुरू से मिले रहे पवन, आप इसीलिए कांग्रेस का डरवाते
रहे थे आप, आप इसीलिए कांग्रेस का यह हालत है, नहीं आपसे आप इसीलिए बंगाल को डराइए मत, कांग्रेस के भी करने वाला नहीं है आप, इसीलिए कांग्रेस का इस हालत में टाइगर होते हैं यहाँ, आप गलत डराएंगे उन्हें, आप गलत इतिहास बना रहे हैं बंगाल के आधार पर, आप डराइए मत। अच्छा अच्छा, मानो के नाम पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, लेट्स गेट बैक टू द डिबेट। इसके आधार पर बात कर रहे हैं, आपका इतिहास रहा है देश को कहने नहीं देगा मुझे, अगर वो मुझे कहने नहीं देगा। पवन खेड़ा, पवन खेड़ा जी आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम सब खत्म हो जाएगा सर, देयर इज अ टाइम दैट वी हैव फॉर दिस डिस्कशन। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, ये कहां से इतिहास दीजिए, ये नेहरू फैमिली का कोई इतिहास है क्या, ये नेहरू फैमिली का लिखा हुआ इतिहास? पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी सुन लीजिए एक मिनट, पवन खेड़ा जी इतिहास हम नहीं मानते, पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी जो जो नेहरू गांधी खानदान का इतिहास, पवन खेड़ा जी सुनिए तो सर, सर सर प्लीज आप एक मिनट तो रुकिए, एक मिनट रुकिए, आई विल स्पीक टू हिम। पवन खेड़ा जी देखिए, इतना उत्साह अगर कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में ले आएगी तो ज्यादा चर्चा होगी कांग्रेस पार्टी की, नहीं हो रही है आपकी पार्टी को लेकर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर जब भी चर्चा होती है कि ओवैसी यहाँ आएंगे, वो गए फुरफरा शरीफ भी और वहां उन्होंने अपनी ही पार्टी आगे बढ़ा दी, लेकर आ गए, अब ये अम्ब्रेला के तहत अगर आप चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी टीएमसी का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी और तमाम बाकी दलों का ये कहना है कि आप कहीं नहीं है, आप सिर्फ यहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, ये आरोप लगता है आप पर, तो क्या कहना है आपका इस पर असीम मकार जी, क्या आप कोई प्रभाव भी डाल पाएंगे? देखिए वन बाय वन, देखिए वन बाय वन, सुमेरा खान जी, जी जी बहुत देर से ये बहस चल रही थी, फुरफुरा शरीफ हिंदुस्तान में है, वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा नहीं लगता है, आप भी जा सकती हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम हमारे में कोई ताकत ही नहीं है और हम कुछ नहीं हैं, हम जीरो हैं, तो फिर हमारी दहशत क्यों है? हम किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ जाएं, वमन बेशराम साहब के साथ जाएं, किसी के साथ जाएं, हम चुनाव आयोग के तहत आते हैं, चुनाव आयोग में मेरा रजिस्ट्रेशन है हमारी पार्टी का, जैसे आप सब जा सकते हैं किसी के साथ, वैसे हम भी जा सकते हैं। सबसे पहले जो अहम बात, अभी तथागत राय जी से बात आप कर रही नहीं, नहीं, अब, अब, उन्होंने कहा कि इमामों को तनख्वाह, सुनिए सुनिए जी बोलिए, दीदी अपनी जेब से नहीं देती है, ना बंगाल की कमाई का एक पैसा उसमें लगा है, ना बंगाल की सरकार की कमाई का पैसा है, जो मुसलमानों के इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही है वो मुसलमानों की जो वफ की प्रॉपर्टीज हैं, 50,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जो प्रॉपर्टीज हैं जो मुसलमानों की हैं, उस पर बंगाल सरकार अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किराए पर है, ठीक है, अगर आप असीम मकार जी ठीक है, तो वो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है असीम मकार जी, लेकिन 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 असीम मकार जी सुनिए, असीम मकार जी मेरा सवाल भी बोल लेने दीजिए सर, आपने अभी बात रखी, आपने कहा कि क्यों आप पर सवाल उठता है, क्या इस वजह से उठता है क्योंकि बिहार में आपको सीटें मिली और सरकार एक बनने से रह गई, तो क्या खेल बिगाड़ेंगे ज्यादा बनाएंगे कम, ये सवाल उठता है, बाकी राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, राजनीतिक चर्चा है इसलिए सवाल है। देखिए हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जिस तरह से दीदी बंगाल से निकलकर बिहार चुनाव लड़ने जाती हैं, जिस तरह दीदी बंगाल से निकलकर दिल्ली चुनाव लड़ती हैं, कर्नाटक का चुनाव लड़ती हैं, आंध्रा में चुनाव लड़ती हैं, गुजरात में चुनाव लड़ती हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं, तो दीदी को यह हक है, दीदी चुनाव लड़ सकती हैं, दीदी किसी को हराएं जिताएं तो दीदी जो है वो अपने नाम एग्रीमेंट लिखा के लाई हैं, और अगर असद ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो दीदी को तकलीफ, दीदी ने परमिशन ली थी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने से पहले, दीदी के पास महाराष्ट्र के या उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई एग्रीमेंट है कि आइए आप चुनाव लड़िए, ठीक है, दीदी भी अपनी मर्जी की मालिक है, वैसी साहब भी अपनी मर्जी के मालिक हैं, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का, हमको भी हक है चुनाव लड़ने का, इसमें आपको एतराज क्या है? ठीक है हमारे साथ, अगर आपको लगता है कि आप चुनाव हमारी वजह से हार जाएंगे, क्या हार जाएंगे, आपको लगता है चुनाव आप हमारी वजह से हार जाएंगे, क्या हार जाएंगी, तो आप चुनाव के बाद पछताएंगे,
तो चुनाव से पहले आप सही फैसला लीजिए, आपको कौन रोके हुए है, किसने आपसे मना किया है कि आप चुनाव आप अकल लगा के लड़िए। ठीक है, आपके सामने आपके दोस्त भी हैं, आपके दुश्मन भी हैं। ये पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया जी, हमारी अलायंस, हमारा अलायंस बन गया है, एक मेहमान हमारा अलायंस बन गया है, असद साहब ने हमारे अलायंस का ऐलान किया है, हम लोग हमारी पार्टी असद साहब ने कहा है कि आप सिद्दीकी साहब के साथ अलायंस में है। अगर लगता है कि नुकसान हो सकता है, वोट बढ़ सकता है, तो साथ क्यों नहीं जाते? क्या नुकसान उठाने के लिए तैयार है टीएमसी? साथ क्यों नहीं जाते? क्योंकि फुरफुरा शरीफ से तो पहले भी समर्थन मांगते रहे हैं, टीएमसी को समर्थन मिलता रहा है, तो क्या वो नुकसान होगा उनकी अलग पार्टी बनने से, अब्बास सिद्दीकी के और एआईएमआईएम के वहां शामिल होने से? देखिए, एक बात ऐसा है कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल इंडिविजुअल और सोशल इंडिविजुअल अपना पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर सकता है और देश का किसी भी प्रांत में लॉ मुताबिक, आइन का मुताबिक वो लड़ सकते हैं। लेकिन बंगाल का जो बाहर से आया हुआ जो कल्चर है, बाहर से आया हुआ जो पार्टी है, वो बंगाल का गेस्ट है। हमारा यह एक कहावत है कि अतिथि देवो भव। जो लोग बंगाल पर वोट सीजन पर, ना कि मानसून पर, ना कि ऑटम पर, वोट सीजन पर स्पेसिफिकली वो आएंगे, उसके लिए बंगाल का जो मीठा है, बंगाल का जो रसगुल्ला है, पुली पीठे है, शीत का विंटर सीजन है, अब केक भी हो सकता है, सब कुछ तैयार रहेगा। और तृणमूल कांग्रेस बंगाल का मिट्टी से जुड़ा हुआ पार्टी के रूप में, जुड़ा हुआ सत्ता के रूप में, वो सब कुछ तैयार करके रखा। क्या तृणमूल कांग्रेस को नहीं है ये डर कि उनका जो कोर वोट बैंक था उसमें स्प्लिट होगा और उससे आपको कोई नुकसान होगा? क्या ऐसा कोई डर है, ऐसा कोई अंदेशा है इस वजह से, क्योंकि अलग पार्टी खड़ी हो गई है? तृणमूल कांग्रेस का अगर पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री आप एक बार देख ले, डर का कोई उल्लेख तृणमूल का बर्थ से लेकर आज तक कोई पॉलिटिकल जो जर्नी है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें डर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। क्योंकि हमारा लीडर का नाम ममता बनर्जी है, हम पहले ही कह दिया है कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी को हम वोट बैंक नहीं मानते हैं। तृणमूल कांग्रेस जो काम करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए करता है। यहाँ पर जो लोग बोल रहे थे वो भी जानते हैं कि ओइको सृजो स्कॉलरशिप मिलता है। चलिए, इस पर अब्दुल मतीन जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बात है, ना कि धर्म का मुद्दा है। आपने कहा कि नहीं, हम किसी को वोट बैंक मांगते हैं। अब्दुल मतीन जी, टीएमसी का ये कहना कि हम नहीं मानते किसी को वोट बैंक, लेकिन उनका क्या वोट बैंक है जिसकी बात ममता बनर्जी करती है कि ये दूध देती गाय है, इसको कैसे लात मार दें, वो किसके बारे में बात कर रही थी? देखिए, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगी। आप जो हम लोग थोड़ा देर पहले जिस झगड़ा देखें, हमारे देश के आवाम देख के पता चलेगा कि देयर नथिंग टू ऑफर, आई मीन लाइक दिस इज फ्रॉम सिटीजन्स पर्सपेक्टिव। पहली बात यह कि सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई थी, और सचर कमेटी रिपोर्ट बारीकी से, और उनका कोई मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है, NFHS का डेटा है, NSSO का डेटा है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस का डेटा है। उस डेटा से परिष्कार पता चल रहा है कि मुसलमानों का, खास करके जो बहुत बड़ा तबका है बंगाल में, 27% आबादी है, उसमें उनका स्वास्थ्य, उनका एजुकेशन, उनका आपका पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, उनमें बैंक क्रेडिट, सब चीज़ में बहुत बहुत पीछे है। और आप देखिए, ये जो वोट बैंक शब्द है, ये वोट बैंक शब्द आविष्कार किया गया है क्योंकि एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। क्योंकि इतना प्रतिशत इंसान, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उस वैल्यूज को वी रिड्यूसिंग दैट एंटायर ग्रुप टू अस अ वोट बैंक, विच इज अ पिटी। लेकिन अब्दुल मतीन साहब, सच्चा कमेटी रिपोर्ट तो लेफ्ट के कार्यकाल के दौरान जो हालत थी यहाँ पे मुसलमानों की, उनको लेकर भी आई थी ना, तो तब क्या बेहतर थी हालत? वो तो ऐसी ही हालत थी जो अभी है। बिल्कुल आप सही गए हैं, सचर कमेटी रिपोर्ट पूरा हिंदुस्तान का मुसलमानों को, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमान की स्थिति सबसे खराब थी। खराब सबसे, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो वोट बैंक और ये पूरा जो सो कॉल्ड सेक्युलर कम्युनल बाइनरी हम लोग करते हैं, ये हम सेक्युलर है और आप कम्युनल है, ये बाइनरी को तोड़ने की जरूरत है। आप देखिए, हिंदुस्तान में आजादी के बाद से बंगाल में पहले कांग्रेस, उसके बाद वहां महज हुकूमत, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट रही 34 साल, उसके बाद 10 साल ममता बनर्जी की हुकूमत चल रही है। आप देखिए कि मुसलमानों की स्थिति पूरा देश में सबसे ज्यादा खराब बंगाल में है। तो इसके लिए कोई इधर, मैं हमेशा जो ठहराया जाता है कि बीजेपी, ये जो डर पैदा किया जाता है, ये बाइनरी किया जाता है कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ एक कम्युनल, एक तरफ सेक्युलर का जो बाइनरी है, इस बाइनरी से बाहर आना चाहिए। और ये एम्पावरमेंट के मामले में, लेकिन अब्दुल मतीन साहब, जब ये बाइनरी नहीं थी, अगर लेफ्ट का रूल यहां था आपके मुताबिक, ये बाइनरी बीजेपी के आने से आई है, या ये बाइनरी टीएमसी की वजह से है, या कांग्रेस की वजह से है, लेफ्ट की वजह से तो नहीं है आपके मुताबिक वो बाइनरी? अगर लेफ्ट की वजह से नहीं थी तो तब क्यों मुसलमान की हालत खराब?
थी। तो मैं ही कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन, आप एक कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, तो ये सामाजिक न्याय का मुद्दा ही नहीं आता था। आप जब लेफ्ट फ्रंट भी हुकूमत थी, तो आप 2002 में जो फसादात हुई गुजरात में, उसका वीडियो सीडीज बंगाल का गांव गांव में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी कितना खतरनाक है। मैं मानता हूं, मगर ये भी है कि हम तो मतलब हम इन द सेंस जो कम्युनिटी के 27% आबादी है वो तो सिर्फ सिक्योरिटी के मुद्दे पे तो नहीं है। क्या क्या ममता बनर्जी के कार्यकाल में हालत बदली है? देखिए, ये एक प्रोसेस है। सचर कमेटी के बाद उस वक्त यूपीए 1 का हुकूमत ने काफी सारे पॉलिसीज लिए थे, उसमें स्कॉलरशिप स्कीम, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, एमएसडी की पे प्रोग्राम था। ये कोई एक पर्टिकुलर हुकूमत की बात नहीं है, इसमें तमाम जो प्रोग्रेसिव और लेफ्ट अंबेडकराइट और भी जब तमाम सारे फोर्सेस है, सब आके एक ठोस कदम लिया था इंक्लूसिव गवर्नेंस की। बात हुई कि अभी 2021 का जो इलेक्शंस है, अभी सचर कमेटी की बात नहीं है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात नहीं है, रिजर्वेशन की बात नहीं है, मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का जो बैकवर्डनेस की बात नहीं है। मुद्दा आ गई हिंदू मुसलमान, मुद्दा आ गई माइनॉरिटी मेजोरिटी, मुद्दा आ गई वोट बैंक। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सियासत का यही रूप है कि आप क्या करते हैं, बाइनरी में फिक्स कर देते हैं। बाएं मर्ज हुकूमत, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट भी उस मुश्किल की और उसमें उसकी पार्ट रही, और अगर सही से ये माइनॉरिटी दलित आदिवासी का तबका इंपोर्ट देखते तो इस पर बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे सेशन का समय खत्म हो रहा है। तथागत जी, बीजेपी जब विकास की बात करती है और फिर 30 बनाम 70% की बात करती है, तो ये दोनों चीजें कैसे होती है, सबका विकास और 30% बनाम 70%? ये 30% बनाम 70% कब बीजेपी कहा? बीजेपी कहा कि सबका बात, सबके साथ, सबका विकास, सबको विश्वास। बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में ऐसा कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोई छोटे मोटे नेता इधर उधर उल्टा सीधा कुछ कह दिया तो उसका तो जिम्मेदार नहीं है, हमारे तरफ से कोई ऑफिशियल बात है। अभी आपके सेशन से बीच में कुछ बोलेगा तथागत जी, अभी आपसे पहले हमारा एक सेशन था जिसमें तेजस्वी सूर्या आए थे, वो बीजेपी में अहम पद पर है, युवा नेता है, उन्होंने कहा इस्लामाइजेशन हो रहा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदुओं का प्रोटेक्शन हमें करने की जरूरत है, तो ये 30% बनाम 70% करने की जरूरत क्यों है, सबका विकास क्यों नहीं हो सकता? तो घटना है, ये तो जमीनी हकीकत है, ये समझना चाहिए कि जो 30% बनाम 70% के जो राजनीति जो करते हैं और उसके बनाम हम जो राजनीति करते हैं वो 100% की राजनीति करते हैं, इससे इनका झगड़ा है, क्योंकि 30% तो बिगड़ जाएगा। इसी कारण इन लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, इसी कारण उन लोग मीम या क्या अब्बासी का राजनीति का खिलाफ है, क्योंकि वो उनका वोट छिन जाएगा। ये सभी वोट बैंक की राजनीति है, हम तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे पास वोट बैंक कहाँ है? इस पर जवाब ले लेते हैं। पवन खेड़ा जी, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती बीजेपी, वो कह रहे हैं हम तो सब 100% की कर रहे हैं, आपको 30% में सेंध लगने का डर है। दादा, अब बीच में मैं नहीं बोला था तो अब बीच में मत बोलिएगा, बाद में मैं बोलूंगा तब आप बीच में मत बोलिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल अभी नहीं बोला था। समाज को बांटने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है तो वो आज से नहीं, 1980 से पहले जनसंघ, उससे भी पहले हिंदू महासभा, और आज तो भाजपा है ही। आजादी के जो हमारे आंदोलन करने वाले नेता थे वो अब नहीं रहे हमारे बीच, कभी के जा चुके हैं, अब उनकी लड़ाई करवा रहे हैं। नेताजी वर्सेज नेहरू जी, नेहरू जी वर्सेज पटेल जी, अरे आपका तो कुछ था ही नहीं आजादी के आंदोलन में, हमारे नेताओं की आपस में लड़ाई करवा रहे हो, किसानों को आपस में लड़वा रहे हैं, और तो और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे फिल्म इंडस्ट्री में भी लड़ाई करवा दी। ये ऐसे लोग हैं जो बिना लड़ाई कराए रह ही नहीं सकते, एक दिन नहीं रह सकते, और ये लड़ाई कराना बंद कर दें तो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना लड़ाई किए वो इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। वो लड़ाई करवाएंगे, समाज को बांटेंगे, समाज के हर वर्ग को बांटेंगे, और तो और इतिहास में हमारे जो बड़े बड़े हीरोज रहे हैं उनको भी बांटते हैं। तथागत जी जवाब देना चाहते हैं। अच्छा, अब बीच में कुछ मत कहिए। ये पवन खेड़ा जी जो कह रहे हैं इसके मतलब है कि हिंदुस्तान के तमाम जनता इतना बुद्धू है कि बीजेपी इसके बीच जाकर के लड़ाई करा दे सकते हैं, झगड़ा करा दे सकते हैं। ये नहीं है, ये असल में तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रहा था और दूसरे कुछ पार्टी भी कर रहा था सेक्युलरिज्म के नाम से, इसका वो प्रतिक्रिया है। जो पेंडुलम अगर एक तरफ हिल गया तो पेंडुलम छोड़ देने से फिर दोबारा दूसरी तरफ थोड़ा चला जाएगा, लेकिन हमारा कोशिश हमेशा जारी है कि ये पेंडुलम स्थिति बीच में रहे। दादा वही फिर बीच में बात आ गया, वही फिर मैं बीच में अवस्था देखी। आप अगर मुझे कहना नहीं देंगे तो मैं आपको कहना नहीं दूंगा। आप अगर उल्टा सीधा इतिहास कहेंगे
बारी की। आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आप तुष्टिकरण की राजनीति किए हैं। असली मुद्दों पर आइए। आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। ये नेहरू फैमिली का इतिहास यहाँ नहीं चलेगा। मूर्ख नहीं है। नेहरू गांधी खानदान का इतिहास नहीं चलेगा। इसीलिए आपका ये हालत हुआ। इसीलिए आपका ये हालत हुआ। काम कुछ नहीं कर पा रहे। दो निजी का आता नहीं है। दो निजी का सीट तक पहुंच गए। अच्छा और अभी परेशान नौजवान परेशान किसान परेशान सब परेशान महिलाएं परेशान पीड़ित परेशान आप लोगों ने फिर शुरू आप लोगों ने अभी वादा किया था कि एक एक कर कर बोलेंगे अभी 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 वादा किया था आपने। अच्छा तथागत जी पवन जी तथागत जी आप दोनों ने वादा किया था कि अभी एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा फिर आपने उस रूल को तोड़ दिया। लेकिन सुनिए 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 मेरा सर 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 हम सेशन को खत्म कर रहे हैं लेकिन 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 मेरा एक एक सवाल आप दोनों से दोनों से आखिरी सवाल मेरा तथागत जी सब आपके हो गए नेताजी भी आपके हो गए आप सरदार पटेल आपके हो गए सुभाष चंद्र बोस आपके हो गए नेहरू भी तो साथ में ही थे गांधी जी भी आपके हैं तो नेहरू जी भी आपके हैं आपके मतलब देश के हैं नहीं बीजेपी का कहना तो बीजेपी उनको भी मानती है ना उतना ही बड़ा और अहम नेता हाँ मानते हैं हम क्या हम कहते हैं तो नेहरू जी के सारे नीति गलत थी चीन वाले की नीति गलत थी इंडस्ट्री वाली नीति गलत थी जो तुष्टिकरण के नीति गलत थी जो हिंदी कोर्ट बिल बनाया था मुस्लिम कोर्ट बिल नहीं बनाए क्यों नहीं बनाए ये गलत थी ये तो तुष्टिकरण की नीति है। पवन खेड़ा जी आपने अगर अपने नेताओं को अहमियत दी होगी तो ये नौबत नहीं आती ना करने वाला बीच में बात करने वाला हमारे पास समय वो बीच में बात करेगा तो हमारे पास मैं बात करूंगा नेहरू जी की वो मुझे कहने नहीं देगा बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा चलिए हमारे पास इस हिंदी के सेशन तो मैं भी आपको कहने नहीं देंगे मेरी आवाज आपसे हमारे पास हिंदी के सेशन का समय खत्म हो रहा है पवन खेड़ा जी तथागत जी हमारे पास समय खत्म हो रहा है देर इज डेजिग्नेटेड टाइम इट इज गेटिंग ओवर 3000 हमारे पास समय खत्म हो रहा है इस चर्चा का। हेमंत जी कुछ कहना चाहते हैं हेमंत शर्मा जी ऑडियो कम कर दीजिए सुमेरा जी दादा कोलकाता अपने भद्र लोग के लिए जाना जाता है तो कम से कम हम दर्शकों की अपेक्षा है कि आप लोग कुछ ऐसा कहें जो हम समझ सकें तो मेरा जी आप दादा को 3 मिनट दीजिए बोलने के लिए फिर पवन खेड़ा जी को बोलने के लिए दीजिए और फिर बीच में दोनों लोग एक दूसरे को टिप्पणी नहीं करें मैं बिल्कुल सहमत हूँ ठीक है एक एक मिनट बट मगर इससे ज्यादा नहीं मिल सकता अभी पवन खेड़ा जी 1 मिनट आपके पास है और उसके बाद तथागत जी आपके पास एक मिनट में से 30 सेकंड मुझे दे दीजिए बहुत ज्यादा बोले हैं ठीक है अच्छा ठीक है चलिए बोलिए दादा मैं आपसे थोड़ा समय ले लूं थैंक यू मेरे बात के बीच पर मत कहिए नहीं आप भी मत बोलिएगा थैंक यू और अब आप इस रूल को मानेंगे देश आज देख रहा है उस सरकार की तरफ जिसको इतनी सीटों से देश ने जिताया 303 सीटें लेकर आए और सुबह से शाम तक क्या मुद्दे चला रखे हैं आप लोगों ने हिंदू मुसलमान किसान की हालत अरे जो किसान वहां दिल्ली में आधी रात की ठंड में सड़क पर 2 महीने से बैठा हुआ है उसको आप खालिस्तानी कह देते हैं जो नौजवान अपनी फीस बढ़ाने का विरोध करता है उसको आप राष्ट्र विरोधी कह देते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसको आप नक्सली कह देते हैं अरे कहीं तो रुकिए ये देश इस देश का लोकतंत्र बिना आंदोलन के लोकतंत्र में खून नहीं आता है और लोकतंत्र में अगर खून ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र मर जाएगा और आप लोकतंत्र को मार रहे हैं यही हमारी आपसे शिकायत है इस देश को आजादी भी मिली तो आंदोलन से मिली और शांतिपूर्ण आंदोलन से हो रहा उसमें भी आप हिंसा लाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को आपस में मत लड़वाइए पवन खेड़ा जी किसानों के मुद्दों पर उनको जवाब दीजिए ठीक है आपका समय खत्म हो गया सर रिएक्शन मैं बताता हूँ मैं बोला जो नहीं मत शुरू करा जाए ये आज साबित है कि अंग्रेज ने तय किया था कि इस देश छोड़ के चले जाएंगे क्यों एक बार अंग्रेज इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली उन्होंने कलकत्ता आए थे
तो कलकत्ता में राजभवन में उस समय जो मौजूदा राज्यपाल थे वो पूछे थे कि आपने क्यों ये किए थे, सीधे ये निर्णय लिए थे कि भारतवर्ष चले जाएंगे, इसमें क्या महात्मा गांधी का जो 42 मूवमेंट था वगैरह दूसरा जो मूवमेंट था उसका इतना इसमें कितना बड़ा भूमिका था। तो क्लेमेंट एटली साहब पाइप पीते थे, पाइप को दांत में पकड़ करके कहा मिनिमल, और ये आज साबित हो गया कि अंग्रेजों ने ये तय किया था इसलिए कि नेताजी का आजाद हिंद फौज का लड़ाई के लिए लड़ाई के वजह से इन लोगों ने तय किया, क्योंकि दे लॉस्ट देयर फेथ इन देयर इंडियन ट्रूप्स। और दूसरा था कि मुंबई में जो नेवल म्यूटनी हुआ था, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र को 1939 में इन लोग त्रिपुर कांग्रेस में जीत होते हुए भी इनको ऐसे मार के निकाल दिए, ये सब याद नहीं आता है। ठीक है सर। और ये जो एक मिनट अभी जो दंगा की बात हो रही है, जो विभाजन की बात हो रही है, वही फिर बीच में बात विभाजन की बात हो रही है, 3000 सिखों को किसने कत्ल किया? ठीक है, इसमें कदल सर, किया? सर, राजीव गांधी उसको अब हमारे पास समय इस हिंदी डिस्कशन के लिए खत्म हो रहा है। अब सर सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर जवाब दे दो सर, देयर इज अ टाइम दैट वी हैव टू मैनेज द टाइम सर। अब शुभजीत बंगाली में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। शुभजीत आजबो हमरा सोमोदर का से आजबो कांग्रेस TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर